हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशेष मलिक है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विंडोज सर्वर 2012 में फेल ओवर क्लस्टर कैसे इंस्टॉल करते हैं और उसे कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्टोरेज मशीन पर आइसकजी टारगेट सर्वर इंस्टॉल कर दिया था, अब हम लोग इसी स्टोरेज मशीन पर आइसकजी टारगेट सर्वर की हेल्प से तीन वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे एक ही टारगेट में। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग स्टोरेज वाली मशीन पर। ये देखिए, मैं स्टोरेज वाली मशीन पर आ गया हूं। अब इस पर हम लोग तीन वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे आइसकजी टारगेट सर्वर की हेल्प से। तो उसके लिए आप फाइल एंड स्टोरेज सर्विसेज पर क्लिक कीजिए और यहां पर ऑप्शन आता है आइसकजी, इस पर जस्ट क्लिक कीजिए। और देखिए, टू क्रिएट एन आइसकजी वर्चुअल डिस्क, इस पर क्लिक कीजिए, या फिर आप टास्क पर क्लिक करके न्यू आइसकजी वर्चुअल डिस्क पर भी क्लिक कर सकते हैं। ये देखिए जरा, यहां पर आप देख सकते हैं न्यू आइसकजी वर्चुअल डिस्क विजार्ड ओपन हो गया है। इसके बाद आप यहां पर कोई भी एक ड्राइव सेलेक्ट कीजिए जिसमें आप वर्चुअल डिस्क सेव करना चाहते हैं। तो मैं यहां पर ई ड्राइव यूज करूंगा क्योंकि सी ड्राइव में मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो मैं यहां पर ई ड्राइव यूज करूंगा जिसमें फ्री स्पेस अवेलेबल है 451 GB। जस्ट इसको सेलेक्ट कीजिए, नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। अब यहां पर देखिए, आइसकजी वर्चुअल डिस्क नेम, यहां पर सबसे पहले आप डिस्क नेम प्रोवाइड कीजिए। तो मैं डिस्क वन के नाम से डिस्क क्रिएट कर रहा हूं। यहां पर आप देख सकते हैं कहां पर ये डिस्क स्टोर हो रही है, किस नेम से स्टोर हो रही है और इसका एक्सटेंशन क्या है। नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। अब यहां पर आप देख सकते हैं ई ड्राइव में टोटल फ्री स्पेस अवेलेबल है 451 GB। तो इसमें मैं 5 GB की हार्ड डिस्क क्रिएट करना चाहता हूं। तो यहां से आपको वर्चुअल हार्ड डिस्क का जो साइज है वो MB, GB या TB में डिसाइड करना है। तो यहां पर मैं 5 GB की वर्चुअल हार्ड डिस्क क्रिएट कर रहा हूं आइसकजी टारगेट सर्वर की हेल्प से। फिक्स साइज पर बाय डिफॉल्ट चेक मार्क है, इसको एज इट इज रहने दीजिए। नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। न्यू आइसकजी टारगेट, यहां से हम लोग आइसकजी टारगेट क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। टारगेट नेम प्रोवाइड कीजिए, किस नेम से आप टारगेट क्रिएट करना चाहते हैं। मैं टारगेट वन के नाम से क्रिएट कर रहा हूं टारगेट। नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। अब यहां से आपको उन सर्वर्स को ऐड कराना है जिन्हें आप ये वर्चुअल डिस्क प्रोवाइड करना चाहते हैं। ऐड पर क्लिक कीजिए। IQN ऑप्शन को ड्रॉप कीजिए, यहां पर IP एड्रेस ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए और उस सर्वर का IP एड्रेस प्रोवाइड कीजिए जिसको हम लोग आइसकजी इनिशिएटर के नाम से भी जानते हैं। तो यहां पर मैं इस वर्चुअल डिस्क को प्रोवाइड करना चाहता हूं 10.001 को। तो ये IP एड्रेस प्रोवाइड कीजिए, ओके पर क्लिक कीजिए। और ध्यान रखना, ये जो हमारा 10.001 जो IP एड्रेस है, ये आप देख सकते हैं नोड वन के सेकंड लैन कार्ड का IP एड्रेस है। ठीक है, इसी तरह मैं नोड टू का भी सेकंड लैन कार्ड का IP एड्रेस यहां पर प्रोवाइड करूंगा ताकि ये स्टोरेज मशीन, ये सभी वर्चुअल हार्ड डिस्क इन दोनों नोड को प्रोवाइड कर सके। वापस चलते हैं दोबारा से ऐड, और अब हम लोग सेकंड नोड के सेकंड लैन कार्ड का IP एड्रेस प्रोवाइड करते हैं। ओके पर क्लिक कीजिए। ये देखिए जरा, ठीक है, नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। इनेबल ऑथेंटिकेशन, इसको एज इट इज अनचेक रहने दीजिए। नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए और क्रिएट पर क्लिक कर दीजिए। ये देखिए, यहां पर कुछ प्रोसेस हो रहा है, वर्चुअल डिस्क क्रिएट हो गई, आइसकजी टारगेट क्रिएट हो गया है।
टारगेट एक्सेस कंप्लीट हो गया है, ये देखिए सब कुछ कंप्लीट हो गया सक्सेसफुली, क्लोज पर क्लिक कीजिए और ये देखिए यहां पर डिस्क वन के नाम से एक डिस्क क्रिएट हो रही है। अभी ये थोड़ा सा इनिशियलाइज हो रहा है, स्टेटस देख सकते हैं किस टारगेट में क्रिएट की गई है, अभी कनेक्ट है या नहीं है ये देख सकते हैं, इनिशिएटर आईडी वगैरह देख सकते हैं। तो अभी मैं इसी तरह सेम प्रोसेस के थ्रू सेम टारगेट में मैं दो वर्चुअल हार्ड डिस्क और क्रिएट करता हूं, न्यू आइस कीजिए वर्चुअल डिस्क, सेलेक्ट कीजिए ई ड्राइव, नेक्स्ट, डिस्क नेम डिस्क टू, नेक्स्ट, साइज प्रोवाइड कीजिए सेम रखते हैं 5 GB, नेक्स्ट। अब देखिए अब हम लोग नया आइसकजी टारगेट नहीं क्रिएट करेंगे, इसमें हम लोग जो हमने अभी टारगेट वन के नाम से आइसकजी टारगेट क्रिएट किया था उसी में ही मैं ये डिस्क क्रिएट करना चाहता हूं। तो जस्ट एग्जिस्टिंग आइसकजी टारगेट पर चेक मार्क रहने दीजिए, नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए और क्रिएट। हो गया कंप्लीट, क्लोज पर क्लिक कीजिए, ये देखिए जरा सेम टारगेट में ही हमने सेकंड डिस्क क्रिएट की है, ये भी अभी इनिशियलाइज हो रहा है, तब तक मैं एक डिस्क और क्रिएट कर लेता हूं। ई ड्राइव को सिलेक्ट कीजिए, नेक्स्ट, डिस्क 3, नेक्स्ट, 5 GB, नेक्स्ट, सेम टारगेट में ही रखते हैं इसको भी, नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए, यहां पर पूरी डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं और क्रिएट पर क्लिक कर दीजिए। हो गया कंप्लीट सक्सेसफुली, क्लोज पर क्लिक कीजिए, ये देखिए जरा हमने डिस्क वन, डिस्क टू, डिस्क थ्री, तीन डिस्क क्रिएट की है। अभी आप यहां पर देख सकते हैं ये इनिशियलाइज हो रही है, फर्स्ट और सेकंड डिस्क जो है वो इनिशियलाइज हो चुकी है, थर्ड डिस्क जो है वो इनिशियलाइज हो रही है। तो जब तक ये इनिशियलाइज होती है तब तक मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए वर्चुअल डिस्क स्टेटस जो है वो नॉट कनेक्टेड है, टारगेट नेम सेम टारगेट में ही मैंने तीनों डिस्क क्रिएट की है, स्टेटस नॉट कनेक्टेड है और ये है इनिशिएटर आईडी, किस किस आईपी एड्रेस वाले यूजर या क्लाइंट इसको, इन डिस्क को एक्सेस कर सकते हैं और इन सभी डिस्क का साइज क्या है। अभी ये भी थोड़ी देर में हो जाएगा, जब तक ये इनिशियलाइजेशन कंप्लीट होता है, यहां पर देखिए जरा, हो जाने दीजिए, ये देखिए तीनों डिस्क जो है वो इनिशियलाइज हो गई। इसके बाद हम लोग इसको थोड़ा सा ड्रॉप करेंगे और यहां पर देखिए टारगेट आईक्यूएन नेम आया हुआ है, इस आईक्यूएन नेम पर राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज में जाइए और यहां से आप अपना आईक्यूएन नेम जो है वो चेंज कर सकते हैं, चाहे तो आप डिफॉल्ट भी रख सकते हैं। तो मैं इसको चेंज कर लेता हूं, ठीक है, मैं ये आईक्यूएन नेम यूज कर रहा हूं, इसको ध्यान ध्यान से देखिएगा और अप्लाई और ओके पर क्लिक कर दीजिए। ये देखिए जरा आपका आईक्यूएन नेम जो है वो चेंज हो गया है, लेकिन अभी ये स्टेटस नॉट कनेक्टेड है क्योंकि हमने इसको क्लाइंट पर कनेक्ट नहीं किया है अभी तक इन सभी डिस्क को। तो डियर इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फेल ओवर क्लस्टर का प्रैक्टिकल जो है वो कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।